दिल्ली में दो दर्जन से ज्यादा झुग्गियों में आग लगी है। रोहिणी सेक्टर 28 की घटना है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। रोहिणी सेक्टर 28 का मामला जहां पर आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दो दर्जन ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हर्षित मिश्रा जुड़ गए हैं। हर्षित, कैसे आग लगी, इस समय क्या स्थिति है? करीब 11:30 की बात है। ये रोहिणी सेक्टर 28 में जो झुग्गियां हैं उसमें आग लगी थी। जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बने हुए हैं उसी के साथ में जो झुग्गियां बनी है उसमें ये आग लगी थी। और शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि 2 से 3 झुग्गियां जो है वो आग के चपेट में आई है, लेकिन देखते ही देखते करीबन 10 से 12 झुग्गियां आग के चपेट में आ गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की जान के नुकसान की खबर फिलहाल अभी तक बाहर नहीं आई है। किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ इस हादसे में। और करीबन 5 से 6 गाड़ियां दमकल की लगी थी। और फिलहाल अगर ताजा स्थिति की बात की जाए तो आग अंडर कंट्रोल है। हालांकि कूलिंग का काम अभी भी लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल आग को काबू में कर लिया गया है। जी, कितना नुकसान बताया जा रहा है, इस समय वहां पर क्या स्थिति है, और जो झुग्गी वासी हैं, जो झुग्गी के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आज करीबन 12 से 13 झुग्गियों में जो आग लगी है उसके बाद से जो लोग उसमें रहते थे उस पूरे एरिया में अफरा तफरी का माहौल है। वो लोग बेघर हो चुके हैं, सामान जल के राख हो चुका है। फिलहाल वो लोग आशियाने की तलाश में हैं कि उनको कुछ मदद मिल सके, आशियाना मिल सके, जो लोग वहां से बेघर हुए हैं जिनकी झुग्गियां जली हैं। और राहत के जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। कूलिंग का काम लगातार दमकल के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जारी है। और सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि कूलिंग करके जो आग है उसको पूरी तरीके से बुझा लिया जाए, और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो जांच है वो की जाएगी। जाहिर सी बात है, इस समय काफी अफरा तफरी का माहौल होगा। जो झुग्गी वाले हैं वो बहुत हैरान परेशान निराश होंगे। बिल्कुल, देखिए अफरा तफरी का माहौल है और परेशान भी है, हैरान भी है कि पहले तो ये आग वजह क्या थी, किस वजह से लगी थी, फिलहाल अभी तक ये नहीं पता चल पाया है। और जिन लोगों का सामान जल करके राख हो गया, आशियाना उजड़ गया, वो लोग परेशान है कि आखिर दोबारा से जो कैसे रहेंगे इस गर्मी में, इस पूरी जो तपती हुई धूप है इसमें वो लोग कैसे रहेंगे, और उसके बाद से आग लग जाना यानी कि गर्मी डबल हो जाएगी। तो ऐसे में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, खासतौर पर उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल आग बुझाने की जो कवायद है वो पूरी हो चुकी है। कूलिंग का काम चल रहा है। 5 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी जिन्होंने आग को काबू में किया। जी, शुक्रिया आपका हर्षित मिश्रा इस खबर पर जानकारी देने।